बेस्ट लैपटॉप अंडर 60K इन अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल या फिर मैं बोलूँ दिवाली सेल। देखो दिवाली सेल कल खत्म हो जाएगा तो अगर लैपटॉप लेना तो जल्दी ले लेना। बाकी 60,000 रुपये एक ऐसा बजट है जहाँ पे गेमिंग और नॉन गेमिंग कैटेगरी में बहुत सारा लैपटॉप आता है, जिसमें कुछ लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है, कुछ लैपटॉप बहुत ही बेकार है। अगर आप बेकार लैपटॉप लोगे आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। बाकी आज के स्टूडियो में जो भी लैपटॉप बेस्ट है ना 60K का बजट में, जिसपे अच्छा खासा बैंक ऑफर भी है, वही लैपटॉप मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, अपना बजट और पर्पस मुझको लिख के बताना। आपके बजट के हिसाब से जो सबसे अच्छा लैपटॉप होगा मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। बाकी आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी कोई लैपटॉप पे ऑफर आता है सबसे पहला अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेस्ट लैपटॉप अंडर 60K, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन गेमिंग कैटेगरी में। देखो अगर आपका बजट है 50K के आसपास, आप आंख बंद करके HP का ये लैपटॉप खरीद सकते हो, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ना इसमें आपको इंटेल का i5 का 13 जन मिल जाता है, 8GB की रैम है जो कि एक्सपेंड होती है, 512GB का SSD है, फुल HD डिस्प्ले है, बाकी लैपटॉप में MS Office सब कुछ है, ठीक है। ये जो लैपटॉप है ये वैसे लोग के लिए बना हुआ है जिनका पर्पस है ऑफिस पर्पस, स्टूडेंट पर्पस, बिजनेस का काम है, ये सब काम के लिए आप ये लैपटॉप ले सकते हो। बाकी ये लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड नहीं है, तो अगर आपको ग्राफिक्स का काम है तो आप ये लैपटॉप मत बाई करना। बाकी 50K के बजट में आने वाला ये जो लैपटॉप है ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। इसका अभी का प्राइस है 51,999, पर अगर आपके पास होगा क्रेडिट कार्ड तो आपको ये लैपटॉप मिल सकता है 48,999 का प्राइस पे। बाकी ये बजट में ये जो लैपटॉप ये बेस्ट है। अगर आपको एक नॉन गेमिंग लैपटॉप बाई करना है HP का 50K के बजट में, तो आप ये लैपटॉप देख सकते हो। बाकी इसके बाद जो लैपटॉप है वो मेरे हिसाब से अंडर 60K में सबसे बढ़िया लैपटॉप है, जिसका नाम है Lenovo IdeaPad Slim 3। देखो ये जो लैपटॉप है ना ये अंडर 60K में आने वाला सबसे बढ़िया नॉन गेमिंग कैटेगरी का लैपटॉप है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप में i7 का डेस्कटॉप लेवल CPU है 13620H। ये CPU बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको BTech करे हो ना, हैवी से हैवी एप्लीकेशन रन करना है, आप ये CPU की मदद से लैपटॉप में चला सकते हो। बाकी लैपटॉप में IPS पैनल है, यहाँ पे 300 निट्स का ब्राइटनेस है, 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का SSD, MS Office। बाकी ये जो लैपटॉप है मेरे हिसाब से अंडर 60K में सबसे बेस्ट लैपटॉप है। अगर मुझको एक नॉन गेमिंग कैटेगरी में लैपटॉप बाई करना होता मैं आग बंद करके यही लैपटॉप खरीदता। ये लैपटॉप का अभी का प्राइस है 59,990 रुपीज, पर अगर आपके पास होगा क्रेडिट कार्ड तो ये लैपटॉप को मिल सकता है 52,990 का प्राइस में। और इस प्राइस में ये जो लैपटॉप है ये बेस्ट है, Lenovo IdeaPad Slim 3, आप आंख बंद करके परचेज कर सकते हो। बाकी इसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्रिएटर्स इसके लैपटॉप पे। देखो ये सब जो लैपटॉप है ना Asus का, इसमें एक पावरफुल CPU भी है, एक पावरफुल GPU भी है, लैपटॉप हल्का भी है। तो अगर आप BTech कर रहे हो ना, लैपटॉप पर डे लेके ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप ये सब लैपटॉप देखना। लैपटॉप में एक अच्छा CPU है, i5 का 12 जन, बाकी लैपटॉप में 144Hz का पैनल है, IPS पैनल है, 16GB का रैम, 512GB का SSD, MS Office, 50W की बैटरी, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड भी है लैपटॉप में। बाकी अभी ये स्टॉक आउट है, पर कभी कभी ये स्टॉक में आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक लैपटॉप का लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट करते रहना, ठीक है। बाकी ये जो लैपटॉप है मेरे हिसाब से 49K में आ रहा है आफ्टर डिस्काउंट, ये 49K में सबसे बढ़िया लैपटॉप हो जाता है क्रिएटर सीरीज में। बाकी इसी बजट से थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाते हो 54,000 तक जाते हो तो Asus का ये लैपटॉप मिल जाएगा। ये अभी स्टॉक में है, चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। अगर आप BTech कर रहे हो ना, आंख बंद करके ये लैपटॉप उठा लो, क्योंकि ये जो लैपटॉप ये बेस्ट है, क्योंकि लैपटॉप में एक पावरफुल CPU, इंटेल का i5 का 12 500H का CPU है। ये जो CPU है ये कैपेबल है इजिली हैवी से हैवी एप्लीकेशन चलाने के लिए। बाकी लैपटॉप में RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, MS Office, भाई सब कुछ है ये लैपटॉप में, 16GB का रैम, IPS पैनल, 144Hz का डिस्प्ले। अभी इसका प्राइस है 59,990, ठीक है। बाकी अगर आपके पास होगा क्रेडिट कार्ड तो आपको ये लैपटॉप मिल सकता है 54,740 रुपीज का प्राइस में, और इस प्राइस में ये सबसे बढ़िया लैपटॉप है, आप इसको परचेज करने का सोच सकते हो। बाकी अब हम बात करते हैं प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप पे। देखो एक HP Victus आता है इस बजट में, और ये जो लैपटॉप है ना ये आखिरी एक महीने में 1000 पीस बिका है, 1000 पीस प्लस। बाकी लैपटॉप में स्पेसिफिकेशन सही है, ठीक है, एक Ryzen 5 का 56 का CPU है, RTX 3050 GPU है, ये जो GPU है ये 75W GPU पे क्लॉक है। बाकी लैपटॉप में 144Hz का पैनल, 16GB का रैम, 512GB का SSD सब कुछ है, चाहो तो आप ये लैपटॉप देख सकते हो। अभी इसका प्राइस है 60,990 रुपये, पर आफ्टर डिस्काउंट आपको ये लैपटॉप मिल सकता है 55,490 रुपये प्राइस में। इस प्राइस में ये जो लैपटॉप है ये सही है,
आप पर्चेस करने का सोच सकते हो। बाकी इसी बजट के आसपास में एचपी का एक और लैपटॉप है, एचपी विक्टस। देखो ये जो लैपटॉप है मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन अच्छा है, लाइक i5 का 12 जन है, RTX 3050 है, पर मेरे हिसाब से ये ओवर प्राइस है, ठीक है, 65,990 रुपए मेरे हिसाब से ये जो लैपटॉप है इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है। और आफ्टर डिस्काउंट आपको ये लैपटॉप मिलेगा 60,490 रुपए में। मैं जानता हूं कि अगर आप लैपटॉप ऑफलाइन लेने का सोच रहे हो ना, आपको ये लैपटॉप बेचा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही अधिक है। वो लोग दिखाएंगे देखो ऑनलाइन इतना महंगा है, आप ये लैपटॉप ले लो, पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है, इसलिए मैं आपको ये लैपटॉप रिकमेंड नहीं करता हूं। बाकी 60K के बजट में आपको लेनोवो का लैपटॉप मिलेगा, लेनोवो लॉक। और ये जो लैपटॉप है ये आखिरी एक महीना में बिका है 2030+। बाकी लैपटॉप में इंटेल का i5 का 12 जन है, HX लेवल का CPU है, लैपटॉप में 6GB का ग्राफिक कार्ड है, RTX 3050, बाकी 100% sRGB कलर गैमुट है। और आप ये भी लैपटॉप बाई करने का सोच सकते हो, पर अगर आप लेनोवो लॉक का कोई भी वेरियंट बाई करे हो ना, ऐसे ये लैपटॉप अभी इसका प्राइस है 66,190 रुपए, आफ्टर कार्ड डिस्काउंट आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा कितने में, 60K का प्राइस में, 60,190 में। बाकी मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप लेनोवो लॉक का कोई भी वेरिएंट बाई करे हो ना, तो यहाँ पे अमेजन पे आ रहा है प्रोटेक्ट योर लैपटॉप में, यहाँ पे 2 साल का वारंटी है। अगर आपके मन में कोई डर है ना भैया कहीं लैपटॉप खराब ना हो जाए, तो आप इसको बाई कर लेना, आपका लैपटॉप आराम से 3 साल के लिए सुरक्षित हो जाएगा। बाकी ये भी लैपटॉप सही है 60K के बजट में। बाकी मेरे हिसाब से 60K के बजट में जो सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप है उसका नाम है आपका लेनोवो आईडीपैड गेमिंग 3 राइजन 7 का 7735HS वाला वेरिएंट। ये जो लैपटॉप है इसमें एक बहुत ही पावरफुल सीपीयू है, राइजन 7 का 7735HS, इसको आप कंपेयर कर सकते हो इंटेल का i7 12 जन से। बाकी ये जो लैपटॉप है इसमें 120Hz का पैनल है, 16GB का रैम, 512GB का SSD, यहाँ पे RTX 3050 का वेरियंट है, और ये भी 6GB वाला वेरियंट है। इसका अभी का प्राइस है 69,990 रुपीज, पर आफ्टर कार्ड डिस्काउंट आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा 61,990 रुपए प्राइस में। मेरे हिसाब से 60,000 रुपए के आसपास में आने वाला ये सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप है। तो अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, 60,000 रुपए आपका बजट है, आंख बंद करके आप लेनोवो का ये लैपटॉप बाय कर सकते हो। मेरे हिसाब से 60K के बजट में आने वाला ये सबसे बढ़िया लैपटॉप है। सो यहां तक मैंने आपको वो सभी लैपटॉप बता दिया जो कि मेरे हिसाब से 50,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक में सबसे बेस्ट है। बाकी इसके बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मेरे से व्हाट्सएप आकर बात कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बाकी आप सभी लोग अगर आपको लैपटॉप सही में खरीदना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब भी कोई लैपटॉप पे ऑफर आता है सबसे पहला अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करता हूं, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप कोई भी लैपटॉप बाय कर रहे हो, जेन्युइन सेलर से लैपटॉप बाय करना, ताकि बाद में वारंटी का कोई इशू ना हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक लैपटॉप का जेन्युइन सेलर का लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू चेकआउट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।